आप सभी को जय मसीह की। द बाइबल पोर्शन में आपका स्वागत है। हमारा आज का वचन है पहला इतिहास की पुस्तक 28वां अध्याय वचन 1-8। दाऊद ने इसराइल के सब हाकिमों को अर्थात गोत्रों के हाकिमों और राजा की सेवा टहल करने वाले दलों के हाकिमों को और सहस्त्रपतियों और शतपतियों और राजा और उसके पुत्रों के पशु आदि सब धन संपत्ति के अधिकारियों सरदारों और वीरों और सब शूरवीरों को यरूशलेम में बुलवाया। तब दाऊद राजा खड़ा होकर कहने लगा, हे मेरे भाइयों और हे मेरी प्रजा के लोगों, मेरी सुनो। मेरी इच्छा तो थी कि यहोवा की वाचा के संदूक के लिए और हम लोगों के परमेश्वर के चरणों की पीढ़ी के लिए विश्राम का एक भवन बनाऊं, और मैंने उसके बनाने की तैयारी की थी। परंतु परमेश्वर ने मुझसे कहा, तू मेरे नाम का भवन बनाने न पाएगा, क्योंकि तू युद्ध करने वाला है और तूने लहू बहाया है। तो भी इसराइल के परमेश्वर यहोवा ने मेरे पिता के सारे घराने में से मुझी को चुन लिया कि इसराइल का राजा सदा बना रहूं। अर्थात उसने यहूदा को प्रधान होने के लिए और यहूदा के घराने में से मेरे पिता के घराने को चुन लिया, और मेरे पिता के पुत्रों में से वह मुझी को सारे इसराइल का राजा बनाने के लिए प्रसन्न हुआ। मेरे सब पुत्रों में से यहोवा ने तो मुझे बहुत पुत्र दिए हैं। उसने मेरे पुत्र सुलेमान को चुन लिया है कि वह इसराइल के ऊपर यहोवा के राज्य की गद्दी पर विराजे। उसने मुझसे कहा, तेरा पुत्र सुलेमान ही मेरे भवन और आंगनों को बनाएगा, क्योंकि मैंने उसको चुन लिया है कि मेरा पुत्र ठहरे और मैं उसका पिता ठहरूंगा। यदि वह मेरी आज्ञाओं और नियमों के मानने में आजकल के समान दृढ़ रहे तो मैं उसका राज्य सदा स्थिर रखूंगा। इसलिए अब इसराइल के देखते अर्थात यहोवा की मंडली के देखते और अपने परमेश्वर के सामने अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाओं को मानो और उन पर ध्यान करते रहो, ताकि तुम इस अच्छे देश के अधिकारी बने रहो और इसे अपने बाद अपने वंश का सदा का भाग होने के लिए छोड़ जाओ।